1975 में बनी हिंदी फिल्म शोले का नाम उन फिल्मों की लिस्ट में शामिल है जो अमर है। फिल्म शोले ने बॉक्स ऑफिस में इतनी दौलत बरसाई कि आज भी निर्माता रमेश सिप्पी इसकी वाहवाही पेंशन की तरह बटोर रहे हैं। ये फिल्म इतनी चर्चित हुई कि गली गली में इसके डायलॉग्स आज भी गूंजते हैं। फिल्म के किरदारों के नाम इतने मशहूर हैं कि दोस्तों की जोड़ी को जयगुरु के नाम से बुलाया जाता है और बक बक करने वाली लड़की को बसंती कह दिया जाता है। फिल्म शोले के डायलॉग्स इतने फेमस हैं कि गली गली में डायलॉग्स को अपने फ्रेंड्स फैमिली पर आजमाया जाता है। सबसे मशहूर डायलॉग है, कितने आदमी थे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, जैसे कई डायलॉग्स आज भी प्रयोग किए जाते हैं। इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म शोले के सबसे दमदार किरदार के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। गब्बर का किरदार ही ऐसा किरदार था जो ऑफर किसी और को किया गया था, करना कोई और चाहता था और इसे निभाया किसी और ने। है ना कहानी में ट्विस्ट? जी हाँ, गब्बर का किरदार डैनी को ऑफर किया गया था। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र इसे निभाना चाहते थे, लेकिन निभाया इसे अमजद खान ने। दरअसल गब्बर सिंह का किरदार सबसे पहले डैनी को ऑफर किया गया, लेकिन समय ना होने की वजह से अभिनेता डैनी ने गब्बर का किरदार करने से मना कर दिया। गब्बर ही एक ऐसा किरदार था जिसे रमेश सिप्पी को ढूंढने में सबसे ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। अंत में जब कोई नहीं मिला तो अभिनेता संजीव कुमार ने गब्बर का रोल करने की इच्छा जाहिर की। सवाल ये था कि अगर गब्बर सिंह का किरदार संजीव कुमार निभाएंगे तो ठाकुर कौन बनेगा। रमेश सिप्पी की इस बड़ी समस्या को संजीव कुमार ने ही निपटाया। अभिनेता संजीव कुमार ने अभिनेता अमजद खान से रमेश सिप्पी को मिलवाया, लेकिन रमेश सिप्पी को अमजद खान गब्बर के रोल के लिए फिट नहीं लगे। ऐसे में एक दिन अचानक विलन के गेटअप में रमेश सिप्पी के दफ्तर जा पहुंचे और उन्हें नकली बंदूक की नोक पर बहुत ज्यादा डरा दिया। उस वक्त संजीव कुमार भी रमेश सिप्पी के साथ दफ्तर में ही मौजूद थे। कुछ देर बाद संजीव कुमार हंसने लगे और रमेश सिप्पी से अमजद खान को एक बार फिर से मिलवाया गया। रमेश सिप्पी ने देखा कि अमजद खान विलन के गेटअप में कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे हैं और दर्शक क्यों नहीं गब्बर को पसंद करेंगे, और तब कहीं जाकर गब्बर सिंह का चुनाव हुआ। गब्बर सिंह फिल्म शोले का विलन होने के बाद भी लोगों के लिए हीरो बन गए। खूंखार डकैत का रोल निभाकर अमजद खान सिनेमा दुनिया में छा गए। रमेश सिप्पी की शोले के इस गब्बर ने ऐसे ऐसे दमदार डायलॉग बोले कि वो फिल्मों के इतिहास में दर्ज हो गए। हिंदी सिनेमा में गब्बर सिंह से पहले ऐसा दमदार विलन कभी नहीं हुआ और ना ही गब्बर सिंह के बाद वैसा कोई विलन सिनेमा में नजर आया।